एक ही इसमें कितने गुच्छे लगे, लाइक जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, सेब को ना काट के ऐसे सुखाया हुआ है। बच के चलना पड़ेगा क्योंकि भाग क्यों रही है मेरे से। इसके नीचे कितने ही सांप हो सकते हैं। वैसे मैं सीधे रास्ते भी आ सकती हूँ, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से नीचे। कुछ नहीं पता है, सो यम्मी। और ये गुदरुम नहीं है, जापानी फल है। नहीं, जापानी फल नहीं है, गुदरुम नहीं। हाँ ये कर लो पहले। नमस्ते हिमाचल। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि इस बार मैं आप लोगों को खेत बगीचे के दर्शन कराऊंगी, जो जो फ्रूट्स पक चुके हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत हाँ लालच दूंगी नज़ारों के साथ, फ्रूट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। या दिस इज माय घर के सामने का नज़ारा। और आप लोगों को अब मैं सबसे पहले तो फ्रूट्स के नाम पर एप्पल से शुरुआत करूंगी, जो कि आई नो तुम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए, पत्ते तो झड़ गए, बस सेब ही सेब नजर आ रहे हैं। ये अभी हल्के से कच्चे, मैं आप लोगों को एप्पल रिव्यू दूंगी। वाह यार, घर के खेत के खुद ही मैं आप लोगों को रिव्यू दे दूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले ऐसे साफ कर लेती हूँ। खाने दो। देखो जो तो बिल्कुल पके हुए सेब होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि चलो ठीक है खा रहे हो, टेस्टी भी है, मीठा मीठा सा स्वाद आ रहा है। लेकिन जो ये कच्चे कच्चे से लाल लाल हल्के से हल्के हल्के से ग्रीन जो एप्पल होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा जूसी होते हैं कि मैं बोल नहीं सकती। कि नेक्स्ट हमारा पेड़ है ये गोल्डन एप्पल ट्री। और भाई क्या हाल चाल है, आया आया लालच आया तुम लोगों को? जनता माफ नहीं करेगी। देखो क्या किस्मत है यार, बेचारे दुकान से खरीद खरीद के तुम लोग सेब खाते हो और हम ला ला ला। इस बात का घमंड है मुझे, इस बात का। इमोशनल डैमेज। मेरा मकसद तुम लोगों को लालच देना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है, मैं मजाक में बोल रही हूँ, तुम लोग सीरियसली लेना। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ग्रीन इसलिए है क्योंकि ये ग्रीन ही होते हैं, हल्के से थोड़े से ये येलोइश हो जाते हैं, बट अभी ये थोड़े कच्चे हैं, बट फिर भी हम इसका भी आप लोगों को रिव्यू देंगे। एक ही इसमें कितने गुच्छे लगे, लाइक जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना वैसे। अच्छा अंगूर से याद है, मैंने अंगूर भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, रुक जाओ पहले इसका रिव्यू ले लेते हैं। ये थोड़े मीठे हैं, मतलब वैसा टेस्ट नहीं है जैसे रॉयल का है, बट मीठे मीठे से अच्छे हैं। वैसे यू गाइज हैव नो आइडिया कि मैं कितने रिस्क में आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। मैं ऐसे खेत पे बैठी हूँ पता है लिटरली, और सांप आ सकते हैं, और आजकल तो गर्मी के मौसम पे ऐसे सांप होते हैं। तुम बोलोगे गर्मी है दीदी, तुमने तो स्वेटर पहना हुआ है। मतलब यहाँ वाली गर्मी ऐसी है कि स्वेटर पहन के आप बोलो कि हाय कितनी गर्मी है। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, ये जहाँ मैं बैठी हूँ ना, ये नीचे आप लोग देखते होंगे तो ये क्या लगे हुए है, ये लगे है राजमा। अगर आप राजमा के शौकीन हो तो आपको इतना तो पता होगा कि किन्नौरी राजमा कितने ज़्यादा फेमस है। तो जी हाँ, ये वही किन्नौरी राजमा है। ये ऐसे बीन्स की तरह होता है, ये जब पक जाएगा बड़ा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है राजमा के दाने होते हैं। ये देखो गाइस, हमने ना ऐसे सेब को ना काट के ऐसे सुखाया हुआ है। जो वेस्टेड हमारे सेब होते हैं या फिर जो छोटे होते हैं साइज में या थोड़े से सड़ जाते हैं, उन सेब को हम क्या करते हैं, काटते हैं, और काटने के बाद ऐसे सुखा कर रखते हैं। इससे क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो इसका काम आ जाता है, जो अच्छे वाले होते हैं वो होता है ड्राई फ्रूट, ठीक है, आप सर्दियों में उसको ड्राई फ्रूट की तरह खा सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली हम उसका शराब बनाते हैं सेब का। और थर्डली आप क्या करते हो कि जब सर्दियों में जैसे गाय को हम खाना देते हैं ना, उनको जो हम बेसिकली बोलते हैं चापनंग, तो उसमें हम इसको सेब को यूं मिक्स करके गाय को खिलाते हैं। ये वाला पेड़ मुझे पता नहीं है कौन सा है, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ना मम्मी से पूछती हूँ और फिर यहाँ ऊपर लिख दूंगी, आप लोग देख लेना। चलो गाइस, ऊपर वाला तो मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिया, अब चलो जी नीचे वाले घर पे। देखो भाई, मैं हूँ खतरों के खिलाड़ी और मैं आप लोगों के लिए रिस्क लेकर इस छत पर आई हूँ। और यहाँ पर इसके नीचे कितने ही सांप हो सकते हैं तुमको आइडिया नहीं है। तो ये घर की छत पर देखो अंगूर का बेर ऐसा लगा हुआ है फैल के, और इसके अंदर ग्रेप्स होंगे, बट मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि आगे भी अंगूर का बेर है। मैं वहां से आप लोगों को अंगूर दिखाऊंगी, यहाँ मैं नहीं जा सकती। सांप आपने डस दिया तो तुम आओगे क्या मेरे को हॉस्पिटल में देखना? इन खतरों के खिलाड़ी मैं हूँ अभी घर के छत पर पुराने वाले, और मैं यहाँ से नीचे तुम लोगों के लिए जंप मारने जा रही हूँ। तो अगर मेरी हड्डी वड्डी टूट गई तो दोस्तों देख लेना, आ जाना हॉस्पिटल, जाए नीचे। वैसे मैं सीधे रास्ते भी आ सकती हूँ, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से नीचे जंप मारूं। गांव वालों, सॉरी यूट्यूब वालों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगी। कैसा लगा मेरा मजाक? पागल है क्या, यहाँ से नीचे आऊँ मैं, पैर तोड़ू अपने? वैसे मैं आ सकती हूँ बट मुझे आना नहीं है, क्यों लूँ मैं रिस्क, क्यों लूँ? एज आई सेड कि मैं आप लोगों को आज फ्रूट्स के रिव्यू दूंगी, तो अब ये भी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। यू गाइस हैव नो आइडिया ये कितना ज़्यादा खट्टा होगा।
बट मैं आप लोगों के लिए खाऊंगी। और वैसे भी मुझे तो खट्टी चीजें बहुत पसंद है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। कैमरा सेट और ये पीछे का बैकग्राउंड आप देखोगे तो ये हमारा पुराने घर का मंदिर था सामने, अब तो बिल्कुल खंडर बन चुका है। चलिए खाते हैं खट्टा। बड़े बड़े नाखून किस दिन काम आएंगे, इसी से कट लग रहा है। देखो गाँव में इतनी नेचुरल चीजें होती है खाने के लिए, तभी बंदा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, मस्त ग्लोइंग ग्लोइंग रहता है। अब इसके छिलके का जो रस है ना, अगर उसको आप यूं निकल जा यूं करके, मतलब ये देखो ऐसे गाल पे लगाओगे ना तो काफी सही रहता है, विटामिन सी का काम करता है ना। इसको खट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता नहीं, कुछ नहीं पता है। संतरा का छोटा भाई है ये, उससे संतरे का छोटा किन्नू होता है, किन्नू से छोटा वाला है। ये मैंने दो पीस निकाला एंड गाइस जैसे एनर्जी आ गई ना, मैं माँ कसम मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये बहुत खट्टा है। और अगर तुम लोगों को पसंद होगा ना तो तुमको भी देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, इट्स सीरियसली सो यम्मी। अब बारी है हमारे अंगूर के बेर की, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, मैं नीचे से दिखाऊंगी पर फिलहाल मैं अंदर जाके आप लोगों को ग्रेप्स दिखाती हूँ। थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा क्योंकि सांप वांप हो सकते हैं, और इस बार सांप नीचे नहीं सांप ऊपर भी हो सकता है, मुझे देख कर ही जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर जब मैं आई थी, नहीं लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं घर पर थी तो मैं सेब निकाल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सेब नहीं, तब मैं अंगूर निकाल रही थी ना, तो ऐसे मेरे अंगूर जहाँ से मैं निकाल रही थी उसके सामने ही बगल में सांप था, यूँ ऐसे टहनी पे ना ऐसे यूँ क्रॉस क्रॉस होके बैठा हुआ, थोड़े थोड़े अभी लगे, अब सारे तो निकाल दिए है ना। तो अभी मुझे ये छुटकू सा गुच्छा मिला, आगे भी होंगे गुच्छे बट फिलहाल मैं ना जाने को मेरी फट रही, मतलब इसी को टेस्ट करके बता देती हूँ, अब आप लोग को रिव्यू तो देना है। तो ये हमारा अंगूर और इसको हम खाएंगे। मीठे बहुत, यम्मी टेस्टी है यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो मैं एक और एक गुच्छा लेके चल रही हूँ नीचे खेत में डाटा खाते हुए। अब हम है जी सामने ये वाला जो पेड़ है, ये है हमारा, अगर आपने लास्ट वाले हमारे घर के व्लॉग में भी देखा होगा तो मैंने बताया था अखरोट का पेड़, और पिछली बार से देखो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। लगभग दो एक साल बाद जब मैं फिर से व्लॉग बना रही होंगी तब तो ये बहुत ऊपर पहुंच गया होगा और उसमें फिर अखरोट भी लग चुके होंगे। देखो पूरा खेत बगीचा कैसे हरा हरा हरियाली सा लग रहा है। मैं ना थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, यहाँ पे राजमा लगाए हुए, अगर मैंने दबा वबा दिए ना मम्मी मेरा मर्डर कर देंगे। अंगूर का बेर, जिस तरह से मैं दोपहर के समय ऐसे खेत में जा रही हूँ ना, बहुत ज्यादा गट्स चाहिए, सांप हो सकता है यार, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सांप मिल जाएगा आज। चलो उसको भी शूट कर लेंगे व्लॉग में। ये वाला जो पेड़ देख रहे हो आप, ये तो छुटकू है, पहले ना ये यहाँ पर भी होता था इधर बीच में, ये देख रहे हो दिस इज नाशपति का छोटा भाई। कैसे निकालूं, ये छोटा निकल गया थोड़ा सा, चलेगा। तो ये नाशपति का छोटा भाई है, इसको हम अमंग अमंग कुछ ऐसा बोलते हैं, इसको भी खाना ही पड़ेगा, पेट ना खराब हो जाए, मेरा सारे फ्रूट्स मिक्स हो गए आज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। टेस्टी है ये, दिखने में गोल है बट इसका टेस्ट प्रॉपर नाशपाती की तरह है, और अच्छा है। और ये वाला जो पौधा है, मतलब पेड़ है, इसमें लगे है गुदरुम। यार अब गुदरुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं फोटो चिपका दूंगी ऊपर, देखना ये वाला फ्रूट है ये, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे इसको भी खाना पड़ेगा ना, पर ये कच्चे यार इसको नहीं खा सकती, इसको खाऊंगी तो मेरे मुंह में ना साइड साइड में अजीब सा होगा, खाना पड़ेगा बोला है तो खा लेते हैं। नाइस यार, अच्छा है। और ये गुदरुम नहीं है, जापानी फल है, नहीं जापानी फल नहीं है गुदरुम, नहीं हाँ ये कर लो पहले, जापानी फल छोटे छोटे दोनों होते गुदरुम है गुदरुम। यार क्या रिस्क ले लिया मैंने, मैंने बोला था ना छोटा ये खाते हैं जब कच्चे में तो फिर ऐसे पूरे मुंह में लगता है, ये अजीब सा खच खच करता है मुंह में, तो मुझे भी अजीब सा हो रहा है कुछ। ये वाला पेड़ पलम का है, पलम अभी लगे नहीं है, इसका सीजन चला गया। चिल्ली का पेड़, इसका भी सीजन चला गया। बादाम, इसका भी सीजन चला गया शायद।
और ये नीचे मम्मी ने मक्की लगाई है। मुझे ना थोड़ा आगे जाने में रिस्की सा लग रहा है क्योंकि सांप हो सकते हैं और बहुत ही घना है वहाँ से आगे। और बाकी वही है यार, यहाँ से आगे आप लोगों को खुमानी का पेड़ मिलेगा, एप्रिकॉट का ही मिलेगा, चिल्ली का मिलेगा, सेब के होंगे कुछ पौधे, तो वो मैं क्या दिखाऊँ बार बार, अब वही है सेम चीज़ें रिपीट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को देखना है फिर भी आगे के खेत मेरे, तो आप लोग पिछले व्लॉग जो थे मेरे ना खेत वाले वो देख लेना, उसमें मिल जाएगा। अभी फिलहाल ऊपर जाते हैं, मेरे को कपड़े धोने हैं, मेरे को याद आ गया मैंने मशीन में डाल के रखा है। बच्चे खेल रहे हैं। देखो भाई मेरे पास ज़्यादा कुछ ऐसा कंटेंट है नहीं आप लोगों को दिखाने का, घर का मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों, मैं डेली रूटीन घर का दिखा चुकी हूँ मैं पहले वाले व्लॉग में, और इसके अलावा मैंने खेत बगीचों के दर्शन पहले भी कराए। इस बार तो मैं चलो इसलिए करा रही थी कि फ्रूट्स तैयार हो गए, पिछली बार जब आई थी तो फ्रूट्स छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो बच्चे जो है ना बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा लेते हैं। हाँ फिलहाल यही है, गाय है नहीं तो फिर इतना कुछ काम होता नहीं है, नहीं तो फिर घास काटो कभी गाय के साथ बिजी, दूध निकालो, ये सब काम होता है, तो इस बार है नहीं तो इसलिए रिलैक्स मोड में हूँ मैं। बस घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, साफ़ सफाई एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वही चला है। दोस्तों मुझे मेरी बहन मिल गई, हेलो हाय हाय, बात क्यों रही है मेरे से, ये भी भाव नहीं दे रही मुझे। देखो भाई तुम लोग ना मेरे को कमेंट सेशन में ये सब बोलने मत लग जाना नेगीजी, प्लीज़ एक पेटी हमें भी भेज दो सेब का, एक पेटी हमें भी, यार मैं नहीं ला सकती यार इतना सारा, समझो थोड़े बहुत दाने टुकड़े ले आऊँगी चंडीगढ़, बट वो अब किस किस को बांटती फिरूंगी, थोड़ा समझो ना मुझे भी। या फिलहाल ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, एंड कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को किन्नौरी वेडिंग दिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए भी एक्साइटेड रहना। और बाकी यार उसके बाद तो हमारे गाँव में त्यौहार होने वाला है यार, फुलियाज का मेला, फूलों का त्यौहार, तो उसके लिए भी तैयार हो तुम सभी, ठीक है। और फिर तो मेरा बर्थडे भी है 6 तारीख को, तो वो भी दिखाना है, फिर जन्माष्टमी, अरे यार इतना सारा कॉन्टेंट है, तो ठीक है मिलते हैं आगे, अभी के लिए रेस्ट करती हूँ और थोड़ा बहुत घर का काम भी बचा है तो वो कर लेती हूँ। बाय।